أشهد أن لا إله <سؤال> إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

तो दूसरा मिसरा अल्लाह ताला की तरफ से इल्हामन नाजल हुआ अगर ये जड़ रही सब कुछ रहा है खाकसार की आज की गुजारशात का भी सैदना वा इमामा हज़रत मसीह मऊद अलह का यही शेर है जिसमें आपने हमें तकवा की जड़ की हिफाजत की नसीहत फरमाई है ये आयत करीमा जो सूरत बकरा की आयत नंबर दो और तीन है जो मैंने आपके सामने तिलावत की आगाज़ में इसका तर्जमा यह है कि अल्लाह ताला हम है कि अलिफ़ लाम मीम कि आलमू मैं अल्लाह सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ ज़ाल कल किताब व लार है बफ़ी है ये वो कामिल किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है हदलमतिन और ये मतकीियों को हदायत देने वाली है मतकीियों को रास्ता दिखाने वाली है पस्वा जो है इसके मानी अगर हमने तफसील के साथ समझने हों तो उसका सबसे बेहतरीन तरीक यही है कि हम कुरान करीम का मताल करें कुरान करीम के ऊपर तदबर करें इसके नतीजे में हमें तकवा कहाके की मफहम समझने में मदद मिलेगी प्यारे भाइयों लेकिन इब्तई तौर पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि लफ्ज़ इतका मतलब क्या है ये लफ्ज़ तो काफ़ या के मादा से है और इस मादा से लफ्ज़ वक़ा के माने हैं बचाया या हिफाजत की और इतका मतलब है ख़ुद बचा और अपनी हिफाजत की मगर इस लफ्ज़ के मानी दीनी कुतब के मुहावरा में गुनाह और बुरी अशिया से बचने के हैं वकाया के मानी ढाल या उस जरिया के हैं जिससे इंसान अपने बचाव का सामान करता है इतका जब अल्लाह ताला के लिए आए तो इन्हीं मनों में इस्तेमाल होता है यानी अल्लाह ताला को अपनी निजात के लिए बताओ ढाल बनाया कुरान करीम में इतवा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका हकीक मतलब क्या है ये सवाल जब रसूल करीम सल्लम के सहाबी हज़रत अबू हर रजी अल्लाह तन से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि कांटों वाली जगह पर से गुज़रोगे तो क्या कर, क्या करोगे सवाल करने वाले ने कहा कि या उससे पहलू बुझाकर चला जाऊँगा या फिर उससे पीछे रह जाऊँगा ताकि कांटों में अटक न जाऊँ उन्होंने कहा कि बस इसी का नाम तकवा है यानी इंसान अल्लाह ताला की नाफ़रमानी के मुकाम पर खड़ा ना हो और हर तरह उस जगह से बचने की कोशिश करे एक मशहूर अरबी शायर अलमोताज़ ने इन मानों को लतीीफ़ अशार में बयान फरमाया है वो कहते हैं खल जुलूबा सगीर हा वबीरा ज़कतुका वसना का माशिन फ़ोका अर्द शौके यजर उमा यन्ना सगीर तन इल जिबाल मिनल हसा यानि गुनाहों को छोड़ दे खा वो छोटे हों या बड़े ये तकवा है और तू उस तरीक़ को इख्तियार कर जो कांटों वाली ज़मीन पर चलने वाला इख्तियार करता है यानि वो कांटों से खूब बचता है और तू छोटे गुनाह को हकीर ना समझ क्योंकि पहाड़ कंकरों से मिलकर ही बने हुए होते हैं प्यारे भाइयों इस तारीफ़ की रूह से ये दुनिया एक कांटों भरा रास्ता है और हमें इसमें रहना भी है और फिर चलते रहना है लेकिन कांटों में उलझे बगैर तकवा का हकीकी मफहम अगर ना हो तो हमारे प्यारे आका सैदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम का अमली नमूना हमारे सामने है अभी कुछ देर ही पहले मोहतरम डॉक्टर काजी शबीम अम ने एक बहुत ही दिल नशीन अंदाज़ में आ अलैहि वसल्लम का बयान फरमाया है और उस उसवा को सुनकर हमें ये इल्म हुआ कि तकवा क्या है रसूल करीम सल्ला वम अपने सीने की तरफ़ इशारा करते हुए एक दफ़ा आपने फ़रमाया कि अ तकवा हा हुना कि तकवा यहाँ है और इन अल्फाज को आपने बार बार दोहरा कर ये वाजे किया कि तकवा का मकाम जो है वो इंसानी दिल होता है अगर उस ये दिल जो है ये तकवा से भरा हुआ हो तो फिर इंसान के तमाम अज़ा उसके तमाम जवारे जो हैं वो अल्लाह ताला की तकवा पर चलते हैं हजरत नसीमदिलसद उसम ने भी यही फरमाया है कि तकवा एक दरख्त है जिसको दिल में लगाना चाहिए एक और मिसाल के मुताबिक तकवा वो चिराग है जो हसनी बखेरता है एक शख्स अगर अपने घर के कोने में चिराग रख दे ये तो ज़रूर है कि वो कोना बहुत रोशन नज़र आएगा लेकिन इसका नतीजा ये भी निकलेगा कि बाकी घर कम रोशन और बाज कोने बिल्कुल तारीख होंगे लेकिन अगर यही चिराग घर की मरकजी जगह पर रख दिया जाए तो जो कुछ भी रोशनी होगी वो सारे घर को मुनवर कर देगी तकवा का दिल में रखने की चीज़ है इसे दिल के ताक से उतार कर जिसम के किसी गोशे में रख देना ज़ाहिर है कि मनफी नतायज ही पैदा करेगा बस हकीकी तकवा सीखने के लिए हमें आ अलैहि वसम के नमूना की पैरवी करनी चाहिए आप दीन पर अमल में इतदार अमल पैरा थे एक दफ़ा आ हज़रतली वसम के बाद सहाबा ने दुनिया से बेरगबती के इजहार के तौर पर उम्र भर शादी ना करने सारी रात इबादत करने और हमेशा रोज़े रख रोज़ा रखने की का काहद किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस बात से रोका और अपने नमूना पर चलने की तरफ़ तवज्जो दिलाते हुए फरमाया देखो मैंने शादियाँ भी की हैं रात को सोता भी हूँ इबादत भी करता हूँ रोज़े भी रखता हूँ और इसमें नागा भी करता हूँ उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपकी क्या बात आप तो अल्लाह के रसूल हैं यानी हम कमज़ोर और गुनागार हैं हमें ज़्यादा नेकियों की ज़रूरत है तब आपने बड़े जलाल से फ़रमाया कि मैं तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह का तकवाख्तियार करने वाला और अल्लाह की मार्फत रखने वाला हूँ या सबसे ज़्यादा अमल की मुझे ज़रूरत है और निजात के लिए मेरे नमूना की पैरवी तुम पर लाजम है हाँ हज़रत सल वसम की खुदा तरसी का अल्लाह से डरने का ये आलम था कि आपने रिश्तेदारों और लजीज़ों को भी खोल कर सुना दिया कि तुम्हारेमल ही तुम्हारे काम आएँगे मैं या मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता कुछ काम नहीं आएगा हजूर के इस इतशात से पता चलता है कि कोई जात बरदरी याहदा नहीं बल्कि नेक नीयति और तकवा से किए गए अमाल के नतीजे में ही अल्लाह तौ का फ़जल हमारे श्याला हाल होगा और हमारी निजात का बास बनेगा हज़र वम ने तकवा का एक ये भी तकादा बयान फरमाया है कि मामलती ज़िंदगी में किसी मामले में ज़रा भर भी शक पड़ जाए तो उससे परहेज़ करना चाहिए हज़रत उकबा बिन हारिस रजी अल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने अबू अहाब की बेटी से शादी की तो एक औरत ने आकर कह दिया कि उसने उकबा को और उनकी बीवी को दूध पिलाया है उकबा रजी अल्लाह तनों ने कहा कि मुझे तो तुमने दूध नहीं पिलाया और ना ही मुझे इसके बारे में पहले बताया गया है उकबा रजी अल्लाह तनो मक्का से यहाँ हज़र के पास मदीना यह मसला पूछने के लिए आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब जब ये कहा जा चुका है और शक पड़ चुका है तो फिर तुम कैसे मिया बीवी रह सकते हो फिर हजूर सल असलम ने उनको जुदा कर दिया और उकबा ने दूसरी शादी कर ली तकवा का एक तकाजा अपने अमाल में एहतियात भी है हज़रत अबू कता रजील्ला बयान करते हैं कि मैं रसूल सल अल्लाह वसम के साथ सफ़र हदाबिया के लिए निकला आप सल्ला और दीगर साहबा तो अहराम में थे क्योंकि हज का इरादा था मगर मैंने अहराम नहीं बांधा था दौरान सफ़र में एक जंगली दुराने सफ़र मैंने एक जंगली गधा शिकार कर लिया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया कि मैं अराम से नहीं था इसलिए आपकी खातिर ये शिकार कर लिया है क्योंकि अहराम करने वाला शिकार नहीं कर सकता उसके लिए मना है तो मैंने आपके लिए शिकार कर लिया है हजूर सल वसल्लम ने मेरे इस फिक्रे की वजह से कि मैंने आपकी खातर यह शिकार किया है इसमें कुछ इसमें से कुछ खाना पसंद न किया अल्बत्ता अपने साहबाओं को उस गोश्त के खाने की इजाज़त दे दी आप फरमाते थे बसाओकत घर में एक खजूर बिस्तर पर पड़ी पाता हूँ भूख की वजह से उठ कर खाने लगता हूँ फिर ख्याल आता है कि सदका की ना हो और जहाँ से उठाई वहीं रख देता हूँ एक दफ़ा हजल वसल्लम नमाज के बाद खिलाफ ममूल बड़ी तेज़ी से साहबा के सफ़े चीरते हुए अपने घर तशीफ़ ले गए थोड़ी देर के बाद वापस आए तो हाथ में सोने की एक डली थी फरमाया कुछ सोना आया था जो मुस्तकिन में तकसीम हो गया था ये सोने की एक डली तकसीम होने से रह गई थी नमाज़ व मुझे ख़याल आया तो जल्दी से ले आया हूँ ताकि कौमी माल में से कुछ हमारे घर में पड़ा ना रह जाए प्यारे भाइयों नेकी का एक तकादा नेकी की ये जड़ जो इतका जो है इसका एक तकादा जो है ये तरबियत औलाद भी है और रसूल करीम सल ने इस ज़मन में भी हमारी तरबियत की है रसूल सल वसल् ने अपनी औलाद को भी इस रंग में आपने भी तरबियत फरमाई और उनके दिल में भी बचपन से तकवा पैदा फरमाया एक दफ़ा आपके नवासे ने घर में खजूर का एक ढेर देखा और सदक़े की उन खजूरों में से एक खजूर मुँह में डाल ली नबी करीम सलीसम ने देख लिया फ़ौर अपनी उंगली बच्चे के मुँह में डाली और खजूर निकाल कर बाहर फेंक दी फरमाया ए बच्चे तुम आले रसूल हो हम सदका नहीं खाते तकवा का एक तकाजा फौफ खुदा भी है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लहजा अपने रब के प्यार की वजह से उसे डरते रहते थे हज़रत हज़रतः बिन उमर रजी अल्लाह विदा का यह ख़ूबसूरत मंजर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर असवद की तरफ मुँह किया और अपने होंठ उस पर रख दिए और देर तक रोते रहे फिर अचानक तवज्जो फ़रमाई तो, तो हज़रत हज़रतमर बिनताब रजी अल्ल तन को पहलू में खड़े रोते देखा और फरमाया ए उमर ये वो जगह है जहाँ अल्लाह की तकवा की वजह से आंसू बहाए जाते हैं रसूल करीम अलैहि वसल्लम की दुआएं भी हमारे सामने हैं कभी कभी आप रोते हुए खुदा के हुजूर अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह मुझे आंसू बहाने वाली आँखें अता कर ऐसी आँखें जो तेरी खशियत में आंसुओं के बहाने से दिल को ठंडा कर दें पहले इससे कि आंसू खून और पत्थर अंगारे बन जाएँ तकवा के अला मकाम पर फायज़ होने और ख़शियत इलाही की इस क्या के बावजूद रसुल करीम सली वसम की खुदा खौफी का ये आलम था कि अपने मौला के हजूर मुनाजात में उसका तकवा और खशियत मांगा करते कभी कहते अः अल्लाह मेरे नफ्स को अपना खौफ और तकवा नसीब फरमा और उसे पाक कर दे तो इसे बढ़ कर इसे कौन पाक कर सकता है तू ही इसका दोस्त और आका है कभी ये दुआ करते हैं अल्लाह हमें अपनी वो खशियत फरमा जो हमारे और तेरे हमारे और तेरी नाफरमानी के दरमियान में हायल हो जाए आ हज़रत अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फ़रमाया कि दिलों को जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है साहबा ने पूछा कि या रसोल्ला इस जंग को दूर करने का क्या तरीक़ है आपने फ़रमाया मौत को याद रखा करो मौत को याद रखोगे तो ये जंग जो है वो दूर हो जाएगा तो ये खौफ खुदा रसोल करीम सल्ला वल् ने जो अपने दिल में पैदा किया आपकी पूरी कोशिश थी कि आपके सहाबा भी और आपकी सारी उम्मत जो है वो इस खौफ खुदा को अपने दिल में जगह दे और आज सल्ला वसम की इन नसाये का ऐसा ज़बरदस्त असर आपके सहाबा के ऊपर भी था और ये नसर असर जो है ऐसा देर देरपा था कि जो किसी ज़माने तक महदूद नहीं था वो तो किसी ख़ास मुसलमानों के तबके तक महदूद नहीं था अमीरों में भी ये खौफ खुदा पैदा हो गया गरीबों में भी ये खौफ खुदा पैदा हो गया मर्दों में भी ये खौफ खुदा पैदा हो गया और औरतों में भी ये खौफ खुदा पैदा हो गया यहाँ तक के सदियों की तारीखी को चीरते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकवा की लहर पैदा फरमा दी थी मुसलमानों में वो कई सौ साल तक जो है आगे चलती चली गई और चलती चली जाएगी यहाँ तक कि मुसलमान बादशाहों के दिलों के अंदर भी अल्लाह ताला ने खौफ खुदा पैदा कर दिया और या उल्ला के वाक़ तो आपने बहुत से सुने होंगे और हम सुनते रहते हैं लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि आ हज़रत सल वसम की कुवत कुदसिया का और आपके नहायत ही मौसर अल्फाज का असर जो है वह मुसलमान बादशाहों के ऊपर भी था तुर्की के एक बादशाह जिन्होंने तोप खप माहल जो है बनवाया बन, वो मैंने मैंने भी देखा है आप में से भी बस दोस्तों ने देखा होगा वो महल जो है उसकी ख्वाब और उसका जो दरबार था उसके दरमियान कुछ फासला है पाँच सौ मीटर का फासला होगा या इससे कुछ कुछ ज़्यादा होगा और बताया जाता है कि उस बादशाह ने अपने बाज़ मुलाज़मों को ख़ास इस काम के लिए मुकर किया था कि वो हर चंद मीटर के फ़ासले पर खड़े हो जाएँ और जब बादशाह अपने दरबार से सुबह निकले अपने घर से सुबह निकले दरबार में जाने के लिए तो जिस अहलकार ये उस खादम के पास से गुज़रे वो ऊँची आवाज़ में बादशाह को मुखातब करके कहे कि आया बादशाह तू ज़मीन पर अकड़ के न चल तेरे ऊपर एक खुदा मौजूद है और तू उस खुदा का खौफ कर तो ऐसे ऐसे तकवा वाले बादशाह भी अल्लाह ताला ने तसूल करीम की उम्मत में नसीब फ़रमाए कि जो खुद इस बात की ड्यूटी लगाते हैं अपने ख़ादमी की कि वो मुसलसल उनको अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने की तरफ तोजह दिलाते रहे हज़रत अल खलीफ़तलमसीबल रजी अल्ल तुन ने एक बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या बयान किया है वो कहते हैं कि लाहौर में एक, एक रईस थे जो उनके दोस्त थे कहते हैं कि उस रईस की बेटी बाज़ और उमरा की रोसा की बेटियों के साथ सैर के लिए दरैर रावी की तरफ निकल गई और सख्त आंधी और तूफ़ान की वजह से रास्ता भटक गई बाक़ी जो थी लड़कियां थीं वो वापस चले गई अपने घरों में लेकिन वो रास्ता भूल के बादशाही मस्जिद की तरफ आ निकली और शदी तूफ़ान से बचने के लिए उसने मस्जिद में पनाह ली गर्मियों के दिन थे और मस्जिद में कुछ तलबा जो दिनी तारीम हासिल करते थे वो रहते थे जो छुट्टियों में अपने अपने घरों को जा चुके थे एक यतीम नौजवान जो दिनी तलीम असल करने वाला था उसका कोई घर बार नहीं था जो वहाँ पर अकेला ही उस मौके पर मौजूद था मस्जिद के अंदर रात के वक्त उसने उस लड़की को कहा कि इस वक्त पनाह अगर लेनी है तो यही है इसी मस्जिद में मेरे जो कमरा जो है या है उसके अंदर तुम पनाह ले लो मैं कमरे से बाहर निकल जाता हूँ और मस्जिद में मैं रात गुजार दूँगा मैं तो पढ़ रहा हूँ तो तुम इधर यहाँ जब ये तूफ़ान थम जाएगा सुबह होगी रोशनी होगी तो फिर तुम अपने घर में चले जाना हजूर बयान करते हैं कि उस नौजवान ने अपनी जगह पर उस लड़की को बिठा दिया और ख़ुद मस्जिद में चला गया और लड़की ने क्या मंजर देखा दूर से कुछ देर के बाद वो दिया जिससे जिसमें वो पढ़ रहा था उसने अपनी उंगली उस दिए के ऊपर रखी और उंगली जला दी थोड़ी थोड़ी देर के बाद दूसरी उंगली कुछ वक्त गुजरने के बाद रखी और दूसरी उंगली जला दी और करते करते उसने अपने दोनों हाथों की दस उंगलियाँ जला ली और लड़की दूर से ये मंजर देख रही थी और जब उस लड़की ने पूछा कि ये तुमने उंगलियाँ क्यों जलाईं उसने कहा कि कुछ देर के बाद जब मैंने तुम्हें पनाह दी और मैं मस्जिद में चला गया तो मेरे दिल में शैतान ने गलत काम की तरफ मेरी तवजो मबजूल करवाई और जब ये ख्याल मेरे दिल के अंदर पुख्ता हो गया तो मैंने सोचा कि इसकी सज़ा तो जहनम की आग है तो क्या मैं जहनम की आग को बर्दाश्त कर लूँगा इस बात का पता चलाने के लिए कि क्या मैं उस आग को बर्दाश्त कर सकता हूँ कि नहीं जो इस दुनिया की आग से सत्तर गुना ज़्यादा होगी वो कहता है कि मैंने अपनी एक उंगली रखी दिए के ऊपर ताकि मैं अंदाज़ा लगाऊँ कि मैं इस आग को बर्दाश्त करने की किस कदर ताकत पाता हूँ और जब मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सका तो मैंने अपनी उंगली हटा ली और इस ख्याल को अपने दिल में से झटक दिया थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा शैतान ने गलबा किया तो फिर यही ख्याल मेरे दिल में आया मैंने कहा शायद पहले मुझे कुछ गलती लगी है मुमकिन है मैं इस आग को बर्दाश्त कर सकूँ दूसरी उंगली रख दी और करते करते इस तरह दस उंगलियाँ रखी उसके ऊपर और आखिर पर यह फ़ैसला किया कि अगर ये मामूली आग जो दिए की है ये मेरी उंगली या मेरा जिसम बर्दाश्त नहीं कर सकता तो खुदा तला के जहनम की आग में कैसे बर्दाश्त कर सकूँगा और इस तरीके से फिर मैं शैतान के उस ख़्याल के गलबे से बच गया हज़रत खलीफतम अवल रजी अल्लाह तौ तक ये मामला पहुँचा उस रईस को जब यह पता चला उसकी बेटी ने जाके बताया कि ये मुतकी आदमी है जिसने वहाँ पर मुझे पनाह भी दी लेकिन उसके बावजूद उसने किसी किस्म का कोई गलत हरकत मेरे साथ नहीं की तो हज़रत खलीफत और अव्वल अब्वल रजी अल्ला को जब यह पता चला तो आपने उस रईस को जो बहुत बड़ा रईस आदमी था उसको ये तहरीक की कि यह मतकी शख्स है ये नौजवान मुतकी नौजवान है तुम्हें अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर देनी चाहिए और इस के बाद उस रव, रईस ने उस अपनी बेटी की शादी उस नौजवान के साथ कर दी तो इस वाक़े से सबक हमें यह मिलता है कि हम भी इस बात का जायज़ा लेते रहें कि रसूल करीम सल्ला वसम ने जो जकवा की नसाय बयान फरमाई है और तकबा से हटने के नतीजे में जो इंसार फरमाया है वो इंसार हमारे सामने अगर रहे तो हमें भी अल्लाह अल्ल गुनाहों से बचा सकता है और हमें इस इस बाब में हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए प्यारे भाइयों तकवा का एक तकाजा हलाल और हराम का ख्याल रखना है रसूल करीम सल्ला वसम ने एक मौका पर बड़ी खूबी के साथ इसकी वजाहत फरमाई कि दीन पर अमल करने में सही रवैया क्या है और दीनी ज़िंदगी किस तर्ज का नाम है हमारे दीन में कुछ चीज़ें हराम और कुछ चीज़ें हलाल करार दी गई हैं बाकी के मामले में सराहत का तरीका इख्तियार नहीं किया गया यानी वजाहत नहीं की गई चुनाच एक दफ़ा आपने फरमाया कि हलाल भी वाज़ है और हराम भी मुतिन है और उनके दरमियान कुछ चीज़ें मुशतबे हैं जिनके बारे में हर आदमी यकीन के साथ कोई राय कहम नहीं कर सकता लिहाजा जिसके बारे में शुभ हो कि ये चीज़ हराम हो सकती है उससे बचो ये तरीका इख्तियार करने वाला अपने दीन और अपनी आबरू को बचा लेता है और शुभत का इतकब करने वाला भी एक लिहाज से हराम का मर्तकब हो जाता है इसलिए कि ये ऐसा ही है जैसे कोई शख्स किसी दूसरे की चरागाह के किनारे किनारे अपने गले को चराने लगे अपने जानवरों को चराने लगे ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि उसके गला के जानवर दूसरे की चरागाह में दाखिल हो जाए याद रखो हर बादशाह की एक चरा होती है याद रखो अल्लाह की चरागह उसकी हराम की हुई चीज़ें हैं चरा की इस तमसील से आपने वो हद मत कर दी जो हमारे दीन में मतलूब है और जिसे कुरान मजीद ने तकवा के लफ्ज़ से बयान किया है मतलब ये है कि एक साहब तकवा सिर्फ़ मुहरमात से ही नहीं बचता वो उन चीज़ों से भी गुरेज करता है जो अगरचे बसराहत बस तो ममनू करार नहीं दी गई लेकिन उसे उन पर अमल करना ठीक मालूम नहीं होता इससे मालूम होता है कि वो अमूर जो वाज तौर पर हराम हैं उनसे बचना किस कदर ज़रूरी है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी तैन का वाक़ किताबों में मिलता है आपका ये फतवा था कि अगर मामूली सी उस ज़माने में वो जो सिक्का होता था दीनार उसके बराबर अगर गंदगी कपड़ों पर लगी हुई हो तो उसके बावजूद नमाज हो जाती है नमाज पढ़ना जायज़ है इतनी मामूली गंदगी के साथ नमाज पढ़ी जा सकती है एक दफ़ा आप वजू कर रहे थे तो आपके एक शगीर ने देखा कि बहुत मामूली सी उस दिनार से भी कम गंदगी जो है आपके कपड़ों पे लगी हुई है और आप उसे माल माल के धो रहे हैं तो उसने कहा कि जी इमाम साहब आपका फतवा तो ये है कि इसके अंदर मामूली गंदगी जो है उसके साथ नमाज हो जाती है तो आपने फ़रमाया हाँ मेरा यही फतवा है लेकिन वो मेरा फतवा है और ये मेरा तकवा है तो ये चीज़ वजाहत करती है कि अल्लाह ताली का तकवा जो है ये हमें उस जगह भी रहनमाई फर्माता है और हमें सीधे पर रस्ते सीधे रस्ते पर चलने की तरफ़ हमारी लाइंड फरमाता है कि जहाँ पर बाकी चीज़ें जो हैं उनकी पहुँच नहीं है कोई नसीहत करने वाला वहाँ नहीं पहुँच सकता कोई मुरबी आपको टोकने वाला नहीं पहुँच सकता लेकिन अगर तकवा दिल में है तो वही आपका मुरबी बन जाता है और आपका रहनुमा बन जाता है हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा बाज़ ममूली ममूली बातों की वजह से हम ऐसे कामों में मुब्तला हो जाते हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी वाला काम होता है यहाँ तो एक मशकूक चीज़ थी एक जायज़ चीज़ थी उससे भी हज़रत इमाम वदीफ़ा ने अपने आपको बचाया अपने तकवा की वजह से लेकिन बाज़ दफ़ा बड़े वादे तौर पर हमने किसी कोई रकम ली होती है कर्ज के तौर पर और बायदा उसके साथ वादा किया होता है कि इतने अरसे मैं वापस कर दूँगा और उसके बावजूद हम वापस करने से बज दफ़ा इनकार कर देते हैं और इस वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं तरबीती मसायल पैदा होते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा होता है और प्यार और मोहब्बत की जो फसा जो है वो ख़राब हो जाती है तो इस हमें ये चाहिए कि अल्लाह तला के तकवा से काम लेते हुए जितनी बशाशत के साथ हम कर्ज लेते हैं उसी बशाशत के साथ हम कर्ज़ वापस भी किया करें और अपने तमाम मामलों में इस अमर को मनोज़ रखें कि अल्लाह का तकवा हमने इख्तियार करना है प्यारे भाइयों और बहनों खुलए अहमदीत की खतवात हमें तकवा की बारीक राहें समझाते हैं वो अहमदी जो यूरोप में रहने वाले हैं उनको कदम कदम पर चैतानी फंदे मिलते हैं जिनसे बचना ज़रूरी है ऐसे कारोबार और मुलाजमतें करनी पड़ जाती हैं बज दफ़ा जो अल्लाह की नाफरमानी को लाजम कर देती हैं हमें इस्लाम ने कुरान करीम ने सहबत सालीन को हुक्म दिया है और बाज़ ऐसे काम हैं कि जिन कामों के करने के नतीजे में बहुत ही नामनासब माहौल में हमें रहना पड़ता है सहबत साल तो दूर की बात है बहुत ही नाफरमानी वाले माहौल में रहना पड़ जाता है मसीह मोदा फरमाते हैं सोहबत का बहुत बड़ा असर होता है जो अंदर ही अंदर होता चला चला जाता है अगर कोई शख्स हर रोज़ कंजरीों के यहाँ जाता है और फिर कहता है कि क्या मैं जरा करता हूँ उससे कहना चाहिए कि हाँ तू करेगा और एक और वो एक ना एक दिन इसमें मुब्तला हो जाएगा क्योंकि सोहबत में तासीर होती है इसी तरह पर जो शख्स शराब खाने में जाता है खा वो कितना ही परहेज़ करे और कहे कि मैं नहीं पीता हूँ लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा कि वो ज़रूर पिएगा हज़रतलीफ़तलमसी ख़ ख़ाम अयदाला बिन नसल अजीज़ हज़र मसीीम के इस का हवाला देते हुए फरमाते हैं फरमाया जैसा कि हज़रत हजर अतस मसीमिल ने फरमाया कि ऐसी गंदी जगहों पर जाकर अगर कोई फिर कहता है कि मैं कौन सा ये काम कर रहा हूँ शराब खाने में जाकर अगर कहे कि मैं कौन सी शराब पी रहा हूँ तो फरमाया कि एक दिन वो इस माहौल के ज़ेर असर आ जाएगा और हो सकता है कि पीना शुरू कर दे इसलिए हदीस में भी आया है शराब की हर किस्म की मनाही की गई है पिलाने के लिए भी और बनाने वाले के लिए भी और कशीद करने वाले के लिए भी सब कुछ फरमाते हैं कुछ साल पहले हजरत खलीफतलमसी राह में रहमल ताली ने इसीलिए फरमाया था कि जो यहाँ आके ऐसे रेस्टोरेंट में काम करते हैं जहाँ शराब बेची जाती है तो उस काम को ख़त्म करें और मुलाजमतों को छोड़ें और इसका जमात की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था और तकरीबन सब ने ही ऐसी मुलाजमतें या ऐसे कारोबार छोड़ दिए लेकिन सूअर के गोश्त खाने पर भी कुरान शरीफ में मनाही है अभी भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं जहाँ बर्गर बनाते हैं या बर्गर सर्व करते हैं तो कहते यही हैं कि हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन जैसा कि हजरत मसीम ने फरमाया कि बाज़ दफ़ा एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इंसान इन चीज़ों से किसी न किसी तरह मुतासर हो जाता है और ये ना हो किसी दिन वो बर्गर इस्तेमाल भी हो जाए इसलिए बेहतर यह है कि पहले ही बचत कर ली जाए और ऐसी नौकरियों को छोड़ देना चाहिए कई ऐसी जगह हैं जहाँ साफ सुथरा काम होता है वहाँ नौकरियाँ मिल सकती हैं मुलाजमतें मिल सकती हैं तलाश करनी चाहिए अल्लाह ताला की खातर छोड़ेंगे तो इनशाला बरक़त पड़ेगी और ये इसलाह नफ्स का बहुत बड़ा ज़रिया है सदना हज़रत मसीह मऊद असलम ने अपने इरशादात में तखबा के मौजू को बड़ी ही तफसील से बयान फरमाया है और बड़े ही दिलनशीन अंदाज़ में बयान फरमाया है एक जगह भी आप फरमाते हैं कुराना शरीफ़ में तमाम अकाम की नस्बत तकवा और परहेजगारी के लिए बड़ी ताक़द है वजह यह है कि तकवा हर एक बदी से बचने के लिए कुवत बख्शती है और हर एक नेक की तरफ दौड़ने के लिए हरकत देती है और इस कदर ताक़द फरमाने में ये भेद यह है कि तकवा हर एक बाब में इंसान के लिए सलामती का तवीज़ है और हर एक किस्म के फितना से महफूज रहने के लिए हसन हसन है यानी एक मजबूत किला है एक मतकी इंसान बहुत से ऐसे फजूल और ख़तरनाक झगड़ों से बच सकता है जिनमें दूसरे लोग गिरफ़्तार होकर बसाओकात हाकत तक, तक पहुँच जाते हैं और अपनी जल्दबाजियों और बदगुमानियों से कौम में तफरका डालते हैं और मुखालफन को एतराज़ का मौका देते हैं फिर फर्माया तकवा के बहुत से अज़ा हैं उजब यानी अपने आप को पसंद करना खुद पसंदी माल हराम से परहेज़ और बद अखलाकी से बचना भी तकवा है जो शख्स अच्छे अखलाक ज़ाहिर करता है उसके दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं फिर फर्माया मुबारक वो है जो कामयाबी और ख़ुशी के वक्त तकवायार करे और बदकिस्मत वो है जो ठोकर खा कर इस तरफ ना झुके अब हमारी शादी ब्याह के मामलात हैं मैं इसकी तफसल में नहीं जाता जमात की तरफ से मुसलसल रहनुमाई की जाती है बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जो नहायत ही मुतकियाना हैं हिंदुस्तान की फिल्में देख के वहाँ पर शादियों को देख के तो कोशिश की जाती है कि उनकी नकाली की जाए और मर्द वन बाद दफ़ा देखा जाता है बहुत ही कम है हमारी जमात में लेकिन बाद, बाद जगह पे ऐसी शिकायत आती हैं कि वहाँ पर मर्द मर्द और औरतें जो हैं ये मिलकर डांस कर रहे होते हैं और म्यूज़िक लगाया है तो खौफ खुदा जो है वो सिर्फ़ हमें उस वक़्त ही नहीं होना चाहिए कि जब हम किसी मुश्किल में मुबला हों और अल्लाह तला की तरफ भागें बल्कि जब खुशी हो उस मौके पर भी खुदा तला को याद रखना चाहिए इसलिए माते हैं कि मुबारक वो है जो कामयाबी और ख़ुशी के वक्त तकवा अख्तियार करें खुशी में आपे से बाहर हो जाना फजूल खर्चियाँ करना और ग़ैर इस्लामी हरकत करना ये किसी तरह भी एक अहमदी के लिए मुनासिब नहीं है हजूर फमाते हैं इंसान की तमाम रूहानी खूबसूरती तकवा की तमाम बारीक राहों पर कदम मारना है इंसान की तमाम रूहानी खूबसूरती तकवा की तमाम बारीक राहों पर कदम मारना है तकवा की बारीक राहें रूहानी खूबसूरती के लतीफ़ नकूश और खुशनुमा ख़त व ख़ाल हैं और जाहिर है कि खुदा तला की यह मानतों और ईमानी अहदों की हतलबसर रियायत करना और सर से पैर तक जितने कुाँ और अज़ाए हैं जिनमें ज़ाहरी तौर पर आंखें और कान और हाथ और पैर और दूसरे अज़ाए हैं और बासली तौर पर दिल और दूसरी कुतें और अखलाक हैं उनको जहाँ तक ताकत हो ठीक ठीक महल ज़रूरत पर इस्तेमाल करना और नाजायज़ मवाज़े से रोकना और उनके पोषिदा हमलों से मुतनबे रहना और उसी के मुकाबल पर हकूक़ इबाद का भी लिहाज रखना ये वो तरीक़ है कि इंसान की तमाम रूहानी खूबसूरती इसी से वाबस्ता है और खुदा ताली ने कुरानि शरीफ़ में तकवा को लिबास के नाम से मसूम किया है चुनाच लिबास तकवा शरीफ का लफ्ज़ है ये इस बात की तरफ इशारा है कि रूहानी खूबसूरती और रूहानी जीनत तकवा से पैदा होती है तकवा यह है कि इंसान खुदा की तमाम अमानतों और ईमानी अहद और ऐसा ही मखलूक की तमाम अमानतों और की हतलवसा रियायत रखे यानी उनके धकीक दर झकीक पहलुओं पर ताब तामकदूर कारबंद हो जाए फिर आप फरमाते हैं मतकी बनने के वास्ते ये ज़रूरी है कि बाद इसके के मोटी बातों जैसे जना चोरी तलफ हकूक़ रिया उजब हकारत बुखल के तर्क में पक्का हो तो अखलाक फाजला में तरक्की करे लोगों से मुरत खुश खुलकी हमदर्दी से पेश आवे खुदा तला के साथ सच्ची वफा और सिख सिद्ध दिखलावे खिदमात के मकाम महमूद तलाश करें इन बातों से इंसान मतकी कहलाता है और जो लोग इन बातों के जामे होते हैं वही असल मुतकी होते हैं यानी अगर एक एक हुल्क फ़र्दन फरदन किसी में हों तो उसे मतकी ना कहेंगे जब तक बहसीत मजमू अखलाक फाजला उसमें ना हों और ऐसे ही शख्सों के लिए ला ख़ौफ़ून अलम व्याज़ान है यानी उनके ऊपर किसी किस्म का कोई खौफ़ नहीं होगा और इसके बाद उनको और इसके बाद उनको और क्या चाहिए अल्लाह ताली ऐसों का मुतवली हो जाता है जैसे कि वो फरमाता है वह हुयत साल कि वह मुतकीूँ का साल का दोस्त हो जाता है हदीस हदीस शरीफ़ में आया है कि अल्लाह ताला उनके हाथ हो जाता है जिससे वो पकड़ते हैं उनकी आँख हो जाता है जिससे वो देखते हैं उनके कान हो जाता है जिनसे वो सुनते हैं उनके पाँव हो जाता है जिनसे वो चलते हैं और एक और हदीस में है कि जो मेरे वली की दुश्मनी करता है मैं उससे कहता हूँ कि मेरे मुकाबला के लिए तैयार रहो एक जगह तो फरमाया कि जब खुद कोई ख़ुदा के वली पर हमला करता है तो खुदा ताला उस पर ऐसे झपट कर आता है जैसे एक शेरनी से कोई उसका बच्चा छीने तो वो गज़ब से जपटती है अब आबिक राम हज मसीम की नसर में से मैंने कुछ इकबास आपके सामने पेश किए अब आखिर पर अजमसी मौद रसद्लाम के चंद अशार पेश करके मैं इजाज़त चाहूँगा ये अशार नज़म की सूरत में हम सुनते रहते हैं हमें ये चाहिए कि इनके हकीकी मतालब जो हैं उनके ऊपर ग़ौर करें और उनको समझने की कोशिश करें बाद ऐसे अल्फाज हैं जो हमारी आम रोज़मर्रा जबान में इस्तेमाल नहीं होते हम इन नज़मों को बार बार सुनते हैं लेकिन बज़ दफ़ा उसको उसका मफहम जो है वो समझने से हमारे कुछ भाई जो है वो कासर रह जाते हैं तो हमें इनके मानी भी देखने चाहिए आजकल मसीम की जो समीन है जिसमें आपकी नज़में हैं वो ऐसी शक्ल में भी शाया की गई है कि जिसके एंड के ऊपर उन्होंने उसके मानी भी बयान किए हैं तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए और इनके हकीक़ी मफहम को समझना चाहिए फ़माते हैं हमें उस यार से तकवा आता है न ये हम से कि एहसान खुदा है करो कोशिश अगर सिद्को सफ़ा है कि ये हासिल हो जो शर्त बका है यही आयना खालिक नुमा है यही एक जौहर सैफ़ दुआ है हर एक नेकी की जड़ ये इतका है अगर ये जड़ रही सब कुछ रहा है यही एक शान शानौलिया है बजस तकवा ज़्यादत उनमें क्या है डरो यारो कि वो बीना खुदा है अगर सोचो यही दारुल ज़ज़ा है मुझे तकवा से उसने ये जजा दी फसुबहानज़ी अखजलआ दी अजब गौहर जिसका नाम तकवा मुबारक वो है जिसका काम तकवा सुनो है हासिल इस्लाम तकवा खुदा का इश्क मैं और जाम तकवा मुसलमानों बनाओ ताम तकवा कहाँ ईमा अगर है खाम तकवा दौलत तू ने मुझे मुझको है खुदा दी लजी अखज़ल आदी अल्लाह वहम्मद मोहम्मद मुबारक वसलम का हमदुल मजीद